तो आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि हमारे अपने जो मर जाते हैं उनकी सोल किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है, या फिर क्या आपको ऐसा भी लगता है कि उनकी सोल अगर हमें किसी भी रूप में मिले तो वो हमसे उसी तरह से प्यार करेगी जैसे वो जिंदा थे तब करती थी, या फिर वो हमें हार्म नहीं करेंगे? तो आपको गलत लगता है। हमारा आज का जो इंसिडेंट हुआ वो हमारी ही एक सब्सक्राइबर रिया के साथ हुआ, और यकीन मानिए मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स कवर किए हैं, लेकिन जब ये इंसिडेंट मैंने रिया से सुना तो मेरे खुद के ही गूज बम्स आ गए थे। ये इंसिडेंट मेरे खुद के लिए बहुत भयानक था। तो ये इंसिडेंट आज से कुछ 3-3.5 साल पहले हुआ, जब रिया रशिया में MBBS कर रही थी और इंडिया में बेंगलोर में उसका एक सबसे क्लोज कज़न था जो कि अपने अर्ली 20 में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और इस कज़न की फैमिली में उसको छोड़ के सिर्फ उसकी मॉम थी और उनका ये एक लौता बेटा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिया का फाइनल ईयर चल रहा था और रिया उसके डिमाइस पे वापस इंडिया आ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही रिया उसके 5-6 महीने बाद इंडिया वापस आई तो रिया ने सोचा कि कुछ दिन वो अपनी आंटी के वहां रहेगी, अपनी बड़ी बहन के साथ, और रिया इंडिया में पहले अपने घर आके फिर वो आंटी के पास चलेगी। लेकिन जैसे ही रिया अपनी बड़ी बहन नेहा के साथ अपनी आंटी के घर पहुंची तो उन्होंने वहां पे कुछ बहुत अनयूजुअल सा देखा। उन्होंने देखा कि उनकी आंटी अभी भी अपने बेटे श्लोक का रूम वैसा का वैसे ही सजा के रखती थी जैसे वो जब जिंदा था तब होता था। मतलब कि उसका बेड रोज झाड़ना, उसके बेड के पास ही पानी की बोतल रखना, टीवी में उसके फेवरेट चैनल्स प्ले करना, और साथ ही जो उसके बेड के पास लैंप था उसको ऑन करके रखना। इवन दो जिन कपड़ों को वो ज्यादा पहनता था वो भी वैसे के वैसे हैंगर में टंगे हुए थे और वो सबसे आगे रखे हुए थे कि श्लोक उनको यूजुअली सबसे पहले प्रेफर करता था। तो यूजुअली जब रिया और नेहा पास्ट में भी वहां पे अपनी आंटी के घर जाते थे तो वो श्लोक के रूम में ही रुकते थे, क्योंकि कजन्स में गॉसिपिंग एंड मूवीज देखना ये सब कुछ नॉर्मल सी बात थी। तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, उन दोनों ने अपना सामान वगैरह श्लोक के रूम में रखने का ही सोचा। लेकिन श्लोक के रूम में अपने लगेजेस रखने पहले नेहा गई। तो जैसे नेहा अंदर गई तो रूम की लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन था। तो जैसे ही नेहा बेडरूम से थोड़ा सा आगे ड्रेसिंग रूम में गई अपना लगेज रखने तो उसको ऐसा लगा कि कोई बेड पे बैठा है, और जैसे ही वो कोई बेड पे बैठा वैसे ही रूम की लाइट चली गई। तो नेहा को लगा शायद रिया उसके साथ पीछे पीछे आ गई है। उसने रिया को जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया कि रिया फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर, रिया फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर, लेकिन सामने से उसको कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ नेहा बहुत ही ज्यादा श्योर थी कि कमरे में कोई ना कोई आके बेड पे जरूर बैठा है, जिसकी उसको कर्टन के थ्रू शेडो भी दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही नेहा कर्टन हटा के बेडरूम में गई तो बेडरूम में कोई भी नहीं था। उसने सोचा रिया आसपास होगी, तो उसने जोर जोर से रिया को बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन रिया ने दूसरे रूम में ये आवाज सुनी और रिया वहां से भाग के आई। तो नेहा ने देखा कि रिया तो दूसरे रूम में थी, और साथ ही रिया जैसे ही कमरे में एंटर करने ही वाली थी वैसे ही लाइट भी ऑन हो गई। तो रिया ने अंदर आते नेहा को सबसे पहले बोला कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? तो नेहा ने अंदर बोला कि लाइट गई हुई थी तो मैंने सोचा फ्लैश लाइट ऑन करवाऊं। लेकिन रिया ने बोला लाइट तो गई ही नहीं। तो नेहा ये सुन के डरी तो जरूर, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। उसने सोचा कि अभी हमारा पहला ही दिन है और क्यों ऐसी बातें लगा के अपना ट्रिप खराब करना, तो वो उस बात को इग्नोर करेगी। अब इसके थोड़ी देर बाद ही जब शाम की चाय का समय हुआ तो वो दोनों बैठ के चाय पी रही थी और उनकी आंटी किचन में थी। लेकिन उनको ऐसे लगा कि सीढ़ियों से कोई उतर रहा है, जैसे कोई इंसान उतरता है, उस तरह के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे, वो भी भागते हुए। उन दोनों ने जैसे ही स्टेयर्स पे देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो वो दोनों सीधा अपनी आंटी के पास गई और उन्होंने आंटी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो आंटी ने बोला कि ऐसी आवाज़ें मुझे भी आती रहती हैं, लेकिन वहाँ पे होता कोई भी नहीं है। आंटी ने उनको इस तरह से बताया कि शायद कोई जानवर बिल्ली वगैरह हो सकता है जो आता जाता हो, तो वो इतना ध्यान नहीं देती। तो इस तरह से ये सिनेरियो भी यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सिनेरियो अभी होना बाकी था, जो कि रात को हुआ। रात को रिया और नेहा जैसे ही श्लोक के बेडरूम में सोने गई तो वहां पे उनके साथ बहुत सारी अनयूजुअल सी चीज़ें हुई। सबसे पहले सोने के थोड़ी देर बाद ही ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑन हुई, और उसके बाद ऐसे लगा जैसे कोई वॉशरूम गया है और ज़ोर से दरवाज़ा मारा। ये दरवाज़ा मारते ही रिया की आँख खुल गई। तो रिया ने देखा कि ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑन थी और उसको ऐसा लगा कि वॉशरूम में कोई गया है जिसका दरवाज़ा बंद था। तो रिया ने सोचा मैं वेट करूंगी, देखूंगी कि वॉशरूम गया कौन है, क्या आंटी गई हैं। तो रिया को वेट करते करते पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कब लगी दोबारा और रिया फिर से सो गई। लेकिन ये रात अभी रिया और नेहा के लिए काफी लंबी होने वाली थी। इसके थोड़ी ही देर बाद रिया को फिर से ऐसे लगा कि उसके बेड के आसपास कोई घूम रहा है, लेकिन रिया ने डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोली और चुपचाप रिया लेटी ही रही। ये सारा सिनेरियो कुछ 1 मिनट तक चला, उसके बाद रिया को ये सब अनयूजुअल जो लग रहा था ये लगना बंद हो गया। तो रिया ने चैन की सांस ली ये सोच के कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है और जो कुछ भी हो रहा था वो उसका वहम था। लेकिन जैसे ही रिया ने चैन की ये सांस ली वैसे ही रिया के पैर पे किसी ने हाथ रखा।
तो जैसे ही किसी ने रिया के पैर पे हाथ रखा तो रिया के झटके से आंख खुल गई, और आंख खुलते ही उसको अपने सामने एक शैडो दिखाई दी, और ये शैडो काफी हद तक श्लोक की शैडो जैसी लग रही थी। अब रिया के देखते देखते ही ये जो शैडो थी ये उसके पैरों से घूमती हुई उसके सर के पास खड़ी हो गई। और रिया और नेहा के बेडरूम के पीछे एक विंडो थी, और विंडो का कर्टन उन्होंने हटाया हुआ था जहां से चांद की रोशनी सामने पड़ रही थी। और जैसे ही वो चीज रिया के पास खड़ी हुई तो उसका चेहरा रिया को सामने दिखाई दे रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि श्लोक ही था। लेकिन रिया एक तरह से स्लीपिंग पैरालिसिस की स्टेट में थी, ना वो हिल पा रही थी, ना वो बोल पा रही थी, ना वो उठ पा रही थी। और श्लोक उसके और नज़दीक आया और उसको बोलने लगा कि चल मैं तुझे लेने आया हूँ, और एक छोटी सी स्माइल दी। रिया काफ़ी डरी हुई थी लेकिन उसके मुँह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो रिया काफ़ी कोशिश कर रही थी कि वो अपने हाथ हिला पाए या फिर अपनी आवाज़ लगाए और नेहा को उठा पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट रिया का शरीर एक तरह से कांप रहा था। लेकिन वहीं श्लोक उसको कंटिन्यूसली बोले जा रहा था कि तू मुझे बहुत याद करती है ना, चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आया हूँ। लेकिन रिया को वो श्लोक अपना श्लोक नहीं लग रहा था, उसको उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, और वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रही थी कि किसी भी तरह से वो नेहा को जगा पाए। उसके इन्हीं एफर्ट्स की वजह से नेहा की नींद खुल गई, और जैसे ही नेहा उठी सब कुछ नॉर्मल हो गया और रिया भी एकदम ठीक हो गई, और वो श्लोक की जो भी परछाई थी, शैडो थी, वो भी वहां से गायब हो गई। तो नेहा ने उठते ही सबसे पहले लाइट्स ऑन की और देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। तो नेहा ने उठते ही रिया से पूछा कि क्या हुआ। रिया ने उसको कुछ नहीं बताया, उसने बोला कि मुझे एक बुरा सपना पड़ा था, और उसने बात को वहीं पे खत्म कर दिया। और जैसे ही रिया ने टाइम चेक किया उस समय रात के 3:15 हो रहे थे, तो रिया ने नेहा को बोला कि अब लाइट ऑफ मत करना। इसके बाद सब नॉर्मल तो हो गया, लेकिन रिया ने नेहा से कुछ भी शेयर नहीं किया, ये सोच के कि शायद नेहा डर जाएगी, और जो कुछ भी हुआ वो रिया नेहा को सुबह बताएगी। और वो घूम के सो गई, और नेहा को उसी समय टॉयलेट जाना था तो वो वॉशरूम की तरफ गई, तो उसने देखा कि वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक्ड था, लेकिन रिया उसके सामने सो रही थी और उसकी आंटी मोस्ट प्रोबेबली अपने रूम में ही थी। पर उसने फिर भी सोचा कि क्या पता आंटी ही वॉशरूम गई हो। तो नेहा ने पहले बाहर से आंटी आंटी करके आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो नेहा सबसे पहले आंटी के रूम में गई चेक करने, तो उसने देखा तो आंटी अंदर ही सो रही थी। लेकिन जैसे ही नेहा वापस अपने रूम आई तो वॉशरूम का दरवाजा खुला था। ये देख के नेहा भी काफी डर गई, क्योंकि एक इंसिडेंट उसके साथ पहले ही हो चुका था और ये उसके साथ होने वाला दूसरा इंसिडेंट था। लेकिन नेहा भी रिया की तरह ही ये बात छुपा रही थी कि कहीं रिया डर ना जाए, और ये सब कुछ सुबह डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेहा भी बेड पे जाके सो गई। अब दोनों बहनों को नींद तो नहीं आ रही थी, जैसे तैसे वो दोनों सुबह का वेट कर रही थी, और दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सुबह होते ही वो अपने घर चली जाएंगी। चलो खैर, जैसे तैसे सुबह हुई, और सुबह उठते ही नेहा ने रिया से और रिया ने नेहा से सारे सिनेरियो डिस्कस किए जो भी उनके साथ हुए थे, और वो दोनों समझ गई कुछ भी हो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो उन दोनों ने जाके ये सब कुछ अपनी आंटी को बताया, जो कि श्लोक की मोम थी। फिर श्लोक की मोम के साथ जो भी अनइवन चीज़ें हो रही थी, श्लोक की मोम ने उसको सीरियसली लिया, जैसे पैरों की आवाज़ आना, घर में लाइट ऑन हो जाना, या फिर ऐसा कुछ। तो उन्होंने बिना देरी किए अपने पंडित जी को बुलाया और उनको ये सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हमारे घर पे हो रहा है। तो पंडित जी ने उनको दो सोल्यूशन बताए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि घर में शांति हवन करवाओ, और दूसरा जब उन्होंने श्लोक का रूम चेक किया तो उन्होंने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा जब श्लोक जिंदा था तब होता था। तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो भी सामान है, जिस भी चीज़ को आप सिस्टमैटिक रखते हो श्लोक के हिसाब से, टीवी चलाना, लैंप चलाना, ड्रेसिंग रूम की लाइट्स ऑन कर देना, ये सब कुछ बंद कर दो, और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको प्रवाहित कर दो। आपका इस तरह से उसको याद करते रहना या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को वैसे के वैसे ही रखना उसको आगे जाने से रोक रहा है, और जो इंसान मर गया वो आपका अपना नहीं है। अब जो चला गया है, अगर आप उसका रास्ता आगे रोकोगे तो वो वहीं का वहीं फंसा रहेगा, और हो सकता है कि वो इस सब के चलते आपको भी हार्म करे। और रिया के साथ ये सिनेरियोस ज़्यादा इसलिए हो रहे थे क्योंकि जब से श्लोक गया था तब से रिया ऑलमोस्ट डेली श्लोक के व्हाट्सएप स्टेटस लगाती थी, और साथ ही उसकी फ़ोटोज़ देखते रहना, उसका नाम याद करते रहना, उसकी मेमोरीज याद करते रहना, ये सब कुछ रिया के लिए नॉर्मल था। इस वजह से वो रिया को भी दिखा था और रिया को साथ लेके जाने की बात भी कर रहा था। तो ये सब सिनेरियो होने के बाद उन्होंने श्लोक से रिलेटेड हर चीज़ को बहा दिया, और इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अक्सर हम अपने सराउंडिंग में भी ऐसा बहुत कुछ देखते हैं जहाँ पे लोग अपनों को खो देते हैं और उनकी यादों में खोए रहते हैं, या फिर उनको किसी ना किसी तरह से याद करते रहते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये उस मरे हुए इंसान की सोल को आगे नहीं जाने देती, और यही सोल हो सकता है वापस उस फैमिली को किसी ना किसी तरह से हार्म करे। और हमारा इस तरह से वीडियोस बनाने के इंटेंशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नहीं है। ये हमारे ही कुछ सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज हैं जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, और इसके थ्रू बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में हम ही नहीं रहते, कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपके पास ऐसी स्टोरीज हैं तो मुझे मेल करना ना भूलें।
अपनी मेल आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।